फ्रेंड्स, हियर इज अवर न्यू पोएम ट्रीज। ट्रीज, जैसे कि आप जानते ही हो, पेड़ों के बारे में है ये पोएम। टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। और जैसे कि आप जानते भी हो, आपने पढ़ा भी है, देखा भी है कि ट्रीज अलग अलग तरह के होते हैं। कईयों के नाम जिस तरह से आप डिस्कस भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या मन में सोच भी सकते हो आप। मेंशन द थिंग्स ट्री गिव अस, और फिर सोचो कि ट्रीज हमको क्या क्या देते हैं। दे रीड दिस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। तब शायद इस पोएम को आप बहुत बेटर समझ पाओगे कि ट्रीज, अलग अलग ट्रीज से हमें अलग अलग कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। मतलब कि हमारी पूरी लाइफ हम कह सकते हैं, या हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं ट्रीज के ऊपर। अगर ट्रीज ना हो तो आई थिंक लाइफ हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी, होगी ही नहीं कह सकते हैं हम। देखते हैं अब ट्रीज के बारे में। यहाँ पर राइटर ने, पोएट ने, शर्ले ब्योरे ब्योर ने क्या कहा है, वो कहते हैं, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सिक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इट, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अब यहाँ पर ट्रीज को पोएट ने हर किसी के साथ जोड़ा है, लाइक ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज जो है वो पक्षियों के लिए भी है, क्योंकि मोस्टली पक्षी जितने भी होते हैं वो ट्रीज के ऊपर ही अपने घोंसले बनाते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी ट्रीज हैं, क्योंकि ट्रीज के जब होते हैं तो बच्चे बड़े खुशी से वहाँ पर खेलना पसंद करते हैं, एक फ्रेशनेस फील करते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, उछलते हैं, न्यू न्यू एक्टिविटीज उससे सीखते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस, ट्रीज होते हैं, कुछ ट्रीज उनके नीचे अपनी ग्रोथ करते हैं या अपने हाउसेस बनाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पेड़ों के नीचे कुछ बेलें वगैरह उनके ऊपर चढ़ती हैं, तो वो उनके लिए एक घर की तरह उनको सपोर्ट करती हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, और ट्रीज जो हैं वो हर तरफ, मतलब कि लहरा रहे हैं हमारे आजू बाजू, हर जगह पर ट्रीज जो हैं वो स्विंग कर रही हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज जो हैं वो हवा भी हमें महसूस, कब होती है हवा, जब ट्रीज होती हैं, एक ठंडी हवा महसूस होती है। अगर ट्रीज नहीं हो तो लुएं चलेंगे, रेगिस्तान में जिस तरह से रहना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रीज। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सिक, और जब हम कभी बच्चे हाइड एंड सिक खेलते हैं, आप बच्चे लोग, तो ट्रीज बहुत अच्छी जगह होती है छुपने के लिए, उनके पीछे हम छुप भी सकते हैं या उनके ऊपर चढ़कर छुप जाएं। तो हाइड एंड सिक खेलने के लिए भी ट्रीज हमें बहुत हेल्प करते हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद अस। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, कभी भी अगर हम लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं, टी पार्टीज हमें करनी होती हैं, तो हम पसंद करते हैं कि एक खुले ग्राउंड के अंदर हम टी पार्टीज वगैरह या अपनी पार्टीज या पिकनिक वगैरह करें। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज जो हैं, पतंग जब कटती है और हम दौड़ते हैं, भागते हैं पकड़ने के लिए, अगर ट्रीज ना हो तो न जाने कितनी दूर निकल जाएंगे, हमारे हाथ भी नहीं आएंगे, इतनी दूर हम दौड़ भी नहीं सकते। लेकिन ट्रीज हमें हेल्प करते हैं कि वो उनको पकड़ लेते हैं और फिर हम पेड़ के ऊपर चढ़कर उस ट्री काइट को जो है निकाल लेते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, गर्मियों में वो हमें ठंडी शेड देते हैं, छांव देते हैं। जब कभी भी ग्राउंड में हम खेलते हैं गर्मियों में और हमें चिलचिलाती धूप लगती है, तो हम शेड ढूंढते हैं ट्रीज के नीचे खड़े होने के लिए। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और ट्रीज जो हैं उन्हें भी पता है
कि सर्दियों में हम लोग धूप पसंद करते हैं तो उनके पत्ते गिर जाते हैं, तो उस टाइम पर वो हमें शेड नहीं देते, मतलब कि दे नो आवर फीलिंग्स। यहाँ पर जो राइटर कहना चाहता है कि ट्रीज हमें कितना समझते हैं, वो बेजुबान होकर भी हमारी हर इच्छा को ध्यान में रखकर वो उसी तरीके से पनपते हैं हमारे आसपास, एज लाइक आवर फ्रेंड्स। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज जो हैं, अब एप्पल्स एंड पियर्स ही यहाँ पर लिया है, लेकिन वो हमें फल भी देते हैं खाने के लिए। पोइट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। अब टिम्बर क्या है? लकड़ को कहते हैं हम यहाँ पे। जब ट्रीज को हम चॉप करते हैं, काटते हैं, तो वो जो उसका तना होता है लकड़, वो हमारे फर्नीचर्स में, डोर्स वगैरह या घर वगैरह बनाने के काम आता है, और उसके उस लकड़ को हम टिम्बर कहते हैं। ट्रीज मेक मदर्स से, और ट्रीज को देखकर, ट्रीज मदर्स को ये कहने पर मजबूर करते हैं कि व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। एक इतना मतलब कि हम एनवायरनमेंट जो है, मतलब कि पेड़ को देखकर मदर भी कह उठती है कि इसको पेंटिंग किया जाए, क्योंकि औरत को यहाँ पर सुंदरता के लिए, मतलब कि वो सुंदर चीजें देखना पसंद करती है। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट ने जो है उसको डिस्क्राइब किया है। ट्रीज मेक फादर्स से, और ट्रीज फादर्स से क्या कहलवाता है? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। कितने पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं, मतलब कि जब पत्ते गिरते हैं, अब मदर के लिए तो वो झाड़ू लगाएगी, लेकिन उसको पेड़ घर में अच्छे लगते हैं, एक सुकून देते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं, लेकिन फादर के लिए वो पत्ते जब इकट्ठे करने होते हैं, रेक दिस फॉल, मतलब कि अब ये पत्ते गिर गए हैं, अब इनको रेक होता है जेली टाइप में, जो उनको इकट्ठा करने में हेल्प करता है, जिसके आगे कुछ पंजे टाइप में बने होते हैं जिससे हम लोग लीव्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो अब ये लॉट ऑफ लीव्स हैं जो गिरे हैं, जिनको अब हमें इकट्ठा करना होगा। तो ये फादर्स के वर्ड्स होते हैं। मतलब कि हर किसी के साथ हमारी लाइफ कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है ट्रीज के ऊपर, एंड ट्रीज जो है वो हमारे एज अ फैमिली मेंबर की तरह हमारे आजू बाजू ही रहते हैं। दिस इज द पोइम विच इज रिटन बाय शार्ले बियर। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।